हाई स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोज़ में चैप्टर 8 यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर के मैथ नंबर 1 से लेकर 19 के ए बी सी तक फिल इन द ब्लैंक्स तक बना सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 20 जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ऐसे को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ़ द लेटरल सर्फेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल पिलर इज 264 स्क्वायर मीटर एंड वॉल्यूम इज 924 क्यूबिक मीटर, लेट अस राइट द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द पिलर। तो ये मैथ सेम 10 नंबर मैथ के तरह है जो हम लोग पिछले वीडियोज में सॉल्व किए थे, ठीक है। तो 10 नंबर मैथ में भी वही है। इफ़ द सर्फेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल पिलर इज 264 स्क्वायर मीटर एंड वॉल्यूम इज 924 क्यूबिक मीटर, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाइट एंड द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ दिस पिलर। तो यहाँ पे हाइट और डायमीटर निकालने बोला है 10 नंबर में, और इसमें क्या बोला है, इसमें सिर्फ रेडियस निकालने बोला है। क्या रेडियस? ठीक है, हम लोग को रेडियस निकालना है। तो लेटरल सर्फेस एरिया कितना है पिलर के, राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल पिलर के 264 स्क्वायर मीटर, और वॉल्यूम कितना है 924 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, लेटरल हम लोग को निकालना है लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द पिलर, ठीक है। तो चलिए, तो लेट द रेडियस एंड हाइट ऑफ द पिलर आर आर मीटर एंड एच मीटर रिस्पेक्टिवली। मान ली के रेडियस है आर मीटर और एच कितने हैं, हाइट कितने हैं एच मीटर, हाइट एच मीटर। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन 2 पाई आर एच इक्वल टू 264, क्योंकि 264 लेटरल सर्फेस एरिया बोला है, ठीक है। तो लेटरल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। और अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 924, क्योंकि वॉल्यूम जो बोला है 924 क्यूबिक मीटर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 924 लिख सकते हैं। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और इसको सेकेंड इक्वेशन। तो देयरफोर बाय डिवाइडिंग, मतलब इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा, या फिर बोल सकते हैं उसका रेशियो जो है उसके वैल्यू के इक्वल होगा, ठीक है। तो लिख सकते हम लोग पाई आर स्क्वायर एच बाय टू पाई आर एच इक्वल टू 924 बाय 264, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच बाय टू पाई आर एच, और पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू ये सब है 924 ये है, ठीक है। तो 924 बाय 264 टू पाई आर एच की वैल्यू, ठीक है। तो और तो देखिए पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई आर स्क्वायर के साथ एच एच, तो आर बाई टू मिलेंगे। और इधर 11 के टेबल से 11 टू जो 24 बचेगा कितना, 4 4 4 44, 11 4 जो 44, ठीक है। और यहाँ 11 8 जो 88 बचेगा कितना, 4 4 4 48 44, 4 और 4 कितना बनेगा 44, तो 11 4 जो 44, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग 4 से काटे तो 4 6 24, और 4 से काटने से 4 2 8, 4 1 4, ठीक है। उसके बाद 3 से अगर हम लोग काटें तो क्या मिलेगा, अच्छा इसको रहने दीजिए इतना तक, 21 बाई 6। और तो अब देखिए हम लोग अगर और भी तो काट सकते हैं, चलिए नहीं काटेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 6 के साथ आर को गुना करने से 6 आर, और इधर 2 के साथ 21 को गुना करने से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, कितना हो जाएगा 42। तो और आर को रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 42 बाई 6, 6 1 6 6 7 42। तो देयर फॉर आर कितना आ गया, आर आ गया 7। तो आर हम लोग किसको माने थे, रेडियस को, ठीक है। तो देयर फॉर रेडियस कितना हो गया, लेंथ ऑफ रेडियस, तो लिख सकते हैं देयर फॉर रेडियस 7 मीटर, या फिर लिख सकते हैं लेंथ
ऑफ रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द पिलर, ठीक है, द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द पिलर। तो अब आइए दो नंबर को पढ़ते हैं। इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल पिलर इज सी स्क्वायर मीटर यूनिट, लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ बेस इज आर यूनिट एंड वॉल्यूम इज वी क्यूबिक यूनिट, लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ सी आर बाय वी। तो बोलता है कि लेटरल सरफेस एरिया कितना है सिलेंड्रिकल पिलर के, राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल पिलर के सी स्क्वायर यूनिट, और लेंथ ऑफ रेडियस यानी कि रेडियस कितने हैं आर यूनिट, और वॉल्यूम क्या है वी है। लेटरल सरफेस एरिया सी है और रेडियस कितने हैं आर है, आर यूनिट है, और वॉल्यूम क्या है वी क्यूबिक यूनिट है, ठीक है। तो सी आर बाई वी की वैल्यू कितना है वो लिखना है। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर एच इक्वल टू सी, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया कितना दिया है सी, तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच इक्वल टू सी, और रेडियस 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 कितना दिया आर, और वॉल्यूम यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। अब आइए दो नंबर को पढ़ते हैं। इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज सी स्क्वायर यूनिट, लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ बेस इज आर यूनिट एंड वॉल्यूम इज वी क्यूबिक यूनिट, लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ सी आर बाई वी। तो सी आर बाई वी की वैल्यू हम लोग को निकालना है। लेटरल सर्फेस एरिया कितने हैं सी स्क्वायर यूनिट, और रेडियस कितने हैं आर यूनिट, और वॉल्यूम कितने हैं वी क्यूबिक यूनिट। तो हम लोग को सी आर वाई वैल्यू वो जो है निकालना है। तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर एच इक्वल टू सी, क्योंकि लेटरल सर्फेस एरिया कितना बोला है सी, तो लेटरल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, और रेडियस रेडियस इक्वल टू आर, क्योंकि रेडियस कितना बोला है आर यूनिट, ठीक है, उसके बाद पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू वी, क्योंकि वॉल्यूम कितना बोला है वी, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लेट देयरफॉर सी आर बाई वी, सी आर बाई वी, सी सी क्या है 2 पाई आर एच, यानी कि 2 पाई आर एच की वैल्यू सी है, यानी सी सी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच, ठीक है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया सी की वैल्यू 2 पाई आर एच, और इनटू क्या आर, तो रेडियस आर ही है, या फिर आर ही लिख सकते हैं, ठीक है, और बाय वी, वी की वी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो एच एच आर स्क्वायर है, तो आर आर गुणा करने से आर स्क्वायर होगा, ठीक है, या फिर काट सकते हैं स्क्वायर के साथ आर को, या फिर से आर के साथ आर को, पाई पाई तो कितना मिला 2, तो इसका आंसर कितना हो गया 2, सी आर बाई वी की वैल्यू कितना हो गई 2 हो गई, ठीक है। तो अब आइए 3 नंबर को अब पढ़ते हैं। इफ द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड लेटरल सर्फेस एरिया इज 264 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेट अस राइट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर के हम लोगों को क्या दिया है हाइट दिए है कितने 14 सेंटीमीटर, और क्या दिया है लेटरल सरफेस एरिया कितने 264 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम लोगों को जो है सिलेंडर के वॉल्यूम निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना 264 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने से पहले हम लोग को रेडियस की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम में पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो हम लोग के पास तो हाइट है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू तो मालूम ही है 22/7, तो हम लोग क्या निकालना है रेडियस निकालना है, तभी तो हम लोग को वॉल्यूम को निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को लिखना है लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम
2 पाई आर इच किसके फॉर्मूला है, लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया कितना दिया है 264, ठीक है, तो 2 पाई आर इच इक्वल टू 264 और 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आर, तो रेडियस तो आर ही माने हैं, तो आर इंटू एच कितने हैं 14 इक्वल टू 264, ठीक है, और आर को रख लेंगे, ठीक है, 264 इंटू ये जो इधर आएंगे तो ये उलट जाएंगे, 2 है तो 1/2, 22/7 है तो 7/22, 14 है तो 1/14, ठीक है, उल्टा हो जाने से 11 से काटने से 11 2 जो 22 और 11 2 जो 22 बचेगा 4 4 और 4 44, 11 4 जो 44, ठीक है, उसके बाद 7 1 जो 7, 7 2 जो 14, ठीक है, और यहाँ पे 2 1 जो 2, 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, उसके बाद 2 1 जो 2, 2 6 जो 12, फिर उसके बाद 2 1 जो 2, 2 3 जो 6, ठीक है, तो देयरफॉर आर कितना आ गया 3, ठीक है, तो देयरफॉर रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर भी एच, तो पाई डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर आर कितने 3, तो 3 स्क्वायर एच, एच कितने 14, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 7 1 जो 7, 7 2 जो 14, तो हम लोगों को मिला 2 3 का स्क्वायर और 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 22, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, यानी कि 22 इंटू 9 इंटू 2, तो ये सब को गुना करने से कितना हो जाएगा 396, कितना 396 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो अब आइए चार नंबर मैथ को पढ़ते हैं, इफ द हाइट्स ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 1:2 एंड पेरीमीटर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, लेट अस राइट द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो बोलता है कि हाइट्स ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, तो हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर जो दिए हैं रेशियो में दिया, कितने राइट सर्कुलर सिलेंडर है 2 है और उनके हाइट किस में दिया है रेशियो में, कितना 1:2 और उनके पेरीमीटर का रेशियो कितने हैं 3:4, ठीक है, तो हम लोग को जो है उसके वॉल्यूम के रेशियो निकालना है, वो दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम के रेशियो निकालना है, हम लोग को दिया हाइट्स के रेशियो 1:2 और पेरीमीटर के रेशियो 3:4 किसके राइट सर्कुलर सिलेंडर के, तो हम लोग को उस राइट सर्कुलर सिलेंडर के वॉल्यूम के रेशियो, वॉल्यूम का जो रेशियो है वो निकालना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, तो लिख सकते हैं लेट द रेशियो ऑफ रेडी ऑफ टू सिलेंडर्स आर इज टू आर, कैपिटल आर इज टू स्मॉल आर, ठीक है, रेडी का मतलब रेडियस, मान लीजिए रेडियस के जो है रेशियो है टू सिलेंडर्स के आर इज टू आर है, और द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ टू सिलेंडर्स 1:2 जो दिया हुआ है, ठीक है, द रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ टू सिलेंडर्स 3:4 कितना है 3:4, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम में लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम में लिख सकते हैं 2 पाई R = 2 पाई r = 3:4, क्यों, क्योंकि 2 पाई R जो है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 2 पाई R, तो 2 पाई R = 3:4, क्योंकि 3:4 क्या है द रेशियो पेरीमीटर्स ऑफ टू सिलेंडर्स 3:4, तो ये रेशियो पेरीमीटर्स ऑफ टू सर्कल्स R = 2 पाई r, तो इक्वल टू कितना हो गया 3:4, ठीक है, और 2 पाई कैंसिल, तो R = R कितना आ गया 3:4, तो R = R कितना आ गया 3:4, जो R = R हम लोग लेट माने थे तो वो कितना आ गया 3:4,
तो देयरफोर द रेशियो ऑफ द रेडी ऑफ टू सिलेंडर्स इक्वल टू 3:4, कितना 3:4, ठीक है। तो लिख सकते हैं देयरफोर द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच इज टू पाई आर स्क्वायर एच, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए पाई की वैल्यू 22/7 और आर पहले रेडियस के लिए 3, तो 3 स्क्वायर कितना हो जाता है, डायरेक्ट कर लेते हैं, या फिर चलिए 3 स्क्वायर इंटू एच कितने हैं, 1:2 रेशियो थे, द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ टू सिलेंडर्स 1:2, तो एच 1:2 पाई 22/7 इंटू आर कितने हैं 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर इंटू एच 2, तो इसको हम लोग देखिए 22/7 इस 2 में काट सकते हैं, तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा 3 स्क्वायर, 9, 9, 9, 1 जा 9, तो 9:2 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32, तो ये क्या हो गया आंसर 9:32, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स 9:32। आई होप कि आप लोग समझ में आ गए। तो आप लोग शॉर्टकट ट्रिक में ऐसे बना सकते हैं कि 2 पाई कैपिटल आर इज टू 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू 3:4, ठीक है। तो 2 पाई 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर कितना आ जाएगा 3:4, तो हाइट रेशियो ऑफ हाइट दिया है कितना, यानी कि एच वन या फिर इस कैपिटल एच इज टू स्मॉल एच कितना 1:4, तो देयर फोर वॉल्यूम निकालना है, देयर फोर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम क्या, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स ऑफ वॉल्यूम्स, ठीक है, कितना पाई आर स्क्वायर एच इज टू पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच इज टू पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 3 स्क्वायर 9 इंटू एच कितने हैं 1:2 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितने हैं 4, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू एच कितने हैं, एच 1:2, तो एच कितना 2, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9:32 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग शॉर्टकट में बना सकते हैं, ठीक है, इतना सारे ना लिख करके। तो अब आइए 5 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज बाई 50% एंड हाइट इज इंक्रीज बाई 50%, लेट अस राइट हाउ मच परसेंट ऑफ वॉल्यूम विल बी चेंजेड। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर के जो है रेडियस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है 50%, मतलब 50% घट जाता है, और हाइट क्या होता है 50% इंक्रीज हो जाता है, मतलब बढ़ जाते हैं। तो हम लोगों को निकालना है कि कितने परसेंटेज वॉल्यूम जो है चेंज हो जाएगा, कितने परसेंटेज वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिख सकते हैं लेट द रेडियस एंड हाइट आर आर यूनिट एंड एच यूनिट, मान लीजिए रेडियस जो है आर यूनिट है और हाइट क्या है एच यूनिट है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये वॉल्यूम वन पकड़ेंगे इसको। तो अब हम लोगों को जो है रेडियस डिक्रीज बाय 50%, रेडियस क्या होता है 50% घट जाता है, तो इसका मतलब 100 में 50 घट गया, 50% का मतलब क्या 100, ठीक है, 50% का मतलब 100 में 50 घट गया, 50% घट गया, तो कितना बचा 50, तो 50 आर बाय 100, ठीक है, परसेंटेज के लिए नीचे 100 ले सकते हैं। तो रेडियस जो है 50% घट जाता है, तो 50% घट जाता है, तो इसका मतलब 50 आर बाय 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा क्या, आप 51 जो 50 52 जो 100, तो आर बाई 2 मिलेगा, आर बाई 2 यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से
हाइट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है 50%। तो हाइट 50% इंक्रीज हो जाता है, तो इसका मतलब 100 में 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 150, 150 एच, एच फोर हाइट, ठीक है, नीचे 100, तो इसको काटने से 53 जाए कितना हो जाएगा, 53 जाए 150, और 52 जाए 100, यानी कि 50 दिन 150 और 50 दूना कितना हो जाता है 100, तो 3H/2 यूनिट, ठीक है। देयरफॉर वॉल्यूम, देखिए पहले के लिए हम लोग वॉल्यूम 1 लिखे हैं, इसके लिए क्या लिखेंगे वॉल्यूम 2, तो देयरफॉर वॉल्यूम 2 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो आर क्या है आर बाई टू पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है 3H/2, ठीक है, और हम लोग लिख सकते हैं क्यूबिक यूनिट, ठीक है, तो पाई की वैल्यू, अच्छा पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, चलिए ऐसे रहने देते हैं, पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3H/2 क्यूबिक यूनिट इक्वल टू, तो इसको ऊपर गुना करने से कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे कितना 4 × 8 क्यूबिक यूनिट, ठीक है। तो अगर रेडियस 50% घट जाते हैं और हाइट 50% बढ़ जाते हैं तो वॉल्यूम कितना आ जाता है 3 पाई आर स्क्वायर एच/8 आ जाते हैं, तो कितना वॉल्यूम जो है घटा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम यानी कि V1 या फिर बोल सकते हैं पहले वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर एच से दूसरे वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो कितना वॉल्यूम जो है रिड्यूस हुआ वो निकल जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे अगर 50% रेडियस घट जाता है और हाइट 50% बढ़ जाता है तो वॉल्यूम 2 ये आ जाते हैं, तो वॉल्यूम 2 3 पाई आर स्क्वायर एच/8 जो आता है ये वॉल्यूम क्या होता है कम होता है, तो ये कितना कम हो जाता है कितना घटता है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे V1 यानी कि वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो लिख सकते हैं देयरफॉर रिड्यूस वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस 3 पाई आर स्क्वायर एच/8, तो एलसीएम क्या आ जाएगा एलसीएम 8 आ जाएंगे, तो 8 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो 8 पाई आर स्क्वायर एच में 3 पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो जाने से माइनस हो जाने से कितना बचेगा 5 पाई आर स्क्वायर एच 5 पाई आर स्क्वायर एच/8, ठीक है। तो ये है रिड्यूस वॉल्यूम, तो इस तो हम लोगों को निकालना है कि कितना परसेंटेज वॉल्यूम जो है चेंज हुए, यानी कि वॉल्यूम कितने परसेंटेज वॉल्यूम चेंज हो गया है उसमें निकालना है, मतलब जो भी वॉल्यूम चेंज हुआ है उसको परसेंटेज में निकालना है, ठीक है, कि कितने परसेंटेज वॉल्यूम चेंज हो गए, हम लोगों को निकालना है कि कितने परसेंटेज वॉल्यूम चेंज हो गया, यानी कि वॉल्यूम जो चेंज हुआ है उसको किस में निकालना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, सपोज एक स्टूडेंट्स 100 में 90 मार्क्स लेके आए हैं, 100 में 90 मार्क्स लेके आ गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे उसके मार्क्स बैठेंगे किस तरह से 90/100, क्योंकि 100 में 90 लेके आए हैं इसलिए 90/100 इसलिए लिख सकते हैं 90/100, क्यों, क्योंकि 100 में 90 लेके आए हैं, ठीक है, तो इसलिए लिख सकते हैं 90/100, और परसेंटेज निकालने के लिए इसका 100 से गुना करेंगे, बेटे में रहेगा तो 100 से गुना करना होगा, अगर बेटे में नहीं रहेगा परसेंटेज निकालने के लिए 100 से भाग लगाना होगा, तो 100 से गुना करेंगे, ठीक है, तो इसका 90% आ जाएगा, ठीक है। तो जब एक स्टूडेंट्स 100 में 90 लेके आया तो 90/100 लिखते हैं, तो उसी तरह से जब वॉल्यूम 5 पाई आर स्क्वायर एच/8 आ जाता है कितने वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम से, तो क्या करेंगे इस वॉल्यूम को नीचे, मतलब ये 100 में से इतना लेके आया, ठीक है, तो मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग इस वॉल्यूम को जो मतलब जो लेके आया उसको ऊपर लिखते हैं और जितना में लेके आया उसको नीचे,
तो देखिए 100 में 90 लेके आया तो 90 को ऊपर और 100 टोटल था तो 100 को नीचे, तो उसी तरह से ये वॉल्यूम चेंज हुआ, ये इतना वॉल्यूम रिड्यूस हुआ, तो इसको क्या करेंगे, मतलब इतना वॉल्यूम पाया वो, ठीक है। अगर 50% रेडियस डिक्रीज हो जाता है और 50% हाइट इंक्रीज हो जाता है तो इतना वॉल्यूम आता है, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 5πr²h, जिस तरह से 90 को ऊपर लिखे थे, कितने में पहला वॉल्यूम कितना है, πr²h, मतलब 100 में इतना लिखा आया, तो इसी तरह से ये πr²h को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे पाई, और सॉरी यहाँ पर 8 लिखना भूल गए हैं, 8πr²h πr²h, ठीक है। फिर से देखिए ये वॉल्यूम को क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, और ये वॉल्यूम को क्या करेंगे, बाय में नीचे लिखेंगे, ठीक है, बाय दे करके, क्योंकि जो नंबर पाते हैं उसको क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, तो ये पाया तो ये ऊपर, और जितना में पाया 100 में पाया तो 100 को नीचे, तो कितने में पाया, πr²h में, तो πr²h को नीचे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 100, ठीक है। और बाहर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज का साइन क्या दे सकते हैं, बाहर हम लोग परसेंटेज का साइन दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग काटेंगे, तो πr²h कैंसिल हो जाएगा, तो 5/8 मिलेगा, क्या मिलेगा हम लोग को, 5/8 इंटू 100, ठीक है। तो 500 गुना करने से 500/8 मिलेंगे, तो 500/8 को अगर सॉरी 500/8 मिलेंगे, तो 8 से अगर 500 को डिवाइड लगाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 8 6 48 बचेगा कितना, 2 इधर क्रॉस और यहाँ 0, तो 8 2 16 4 मिलेगा, तो 4 को क्या करेंगे हम लोग, ऊपर लिखेंगे रिमाइंडर को, ऊपर जो बचा उसको नीचे, जो जिससे डिवाइड लगाई थी, मतलब डिवाइजर को नीचे, तो 4 1 4 4 2 8, तो कितना मिल गया, होल 62 1/2%, तो ये हो गया क्या आंसर, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखना है, और जिससे हम लोग डिवाइड लगाते हैं जिससे डिवाइड लगाते हैं, यानी कि डिवाइजर को नीचे लिखना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, होल 62 1/2%, तो इतना परसेंट जो है चेंज हुए हैं, इतने वॉल्यूम परसेंटेज क्या हुए हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, अगर मतलब इतने वॉल्यूम परसेंटेज चेंज हो जाते हैं अगर रेडियस 50% डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, और हाइट 50% इंक्रीज हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटिफुल डे, टाटा।